दोस्तों स्वागत है आप सभी का बिहार समाचार में। दोस्तों चलिए बिहार के तमाम 15 बड़ी खबरों के बारे में इस वीडियो में जानते हैं। तो फटाफट से आप सभी कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं कि आप बिहार के किस जिले में रहते हैं। साथ ही अपनी तरफ से आप इस वीडियो को एक प्यारा लाइक जरूर कर दें। साथ ही आपके मन में अगर कोई भी सवाल हो तो आप हमें नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर पूछें। आज के सबसे पहले खबर, भारत को जल्द मिलेगी चौथी वैक्सीन। DCGI ने सिप्ला के इंपोर्ट को दी मंजूरी। जहां देश में जारी कोरोना से लड़ाई के बीच जोरों शोरों से वैक्सीनेशन अभियान चल रहा है, कोविशील्ड कोवैक्सीन और स्पुतनिक वी के बाद अब चौथी वैक्सीन को DCGI से मंजूरी मिल गई है। अमेरिकी कंपनी मॉडर्ना की कोरोना वैक्सीन के आपात इस्तेमाल के लिए DCGI ने मंजूरी दे दी है। सिप्ला अब इस वैक्सीन का आयात भारत में कर सकेगी। बता दें कि मुंबई स्थित फार्मा कंपनी सिप्ला ने भी मॉडर्ना वैक्सीन के इंपोर्ट और मार्केट ऑथराइजेशन के लिए मंजूरी मांगी थी, इसे DCGI ने मंजूर कर लिया है। बड़ी खबर, बिहार के सभी जिलों में पेट्रोल डीजल की कीमत 100 के पार। मुजफ्फरपुर कोर्ट में धर्मेंद्र प्रधान के खिलाफ परिवाद दर्ज। जी हां, पेट्रोल डीजल की बढ़ती कीमतों को लेकर लोग परेशान हो गए हैं। बिहार ऐसा 11वां राज्य बन गया है जहां पेट्रोल के दाम 100 रुपये प्रति लीटर या इससे अधिक हो गए हैं। प्रदेश के सभी जिलों व कस्बों में पेट्रोल के दाम 100 रुपये पार है। पटना में पेट्रोल 100.47 रुपये से अधिक और डीजल 94.24 रुपये प्रति लीटर से अधिक कीमत पर बिका है। प्रदेश के सभी कस्बों में पेट्रोल 100 रुपये के ऊपर मिल रहा है। ऐसे में लोगों की नाराजगी भी बढ़ती जा रही है। पेट्रोल की बढ़ती कीमतों को लेकर मुजफ्फरपुर की CGM कोर्ट में सोमवार को केंद्रीय पेट्रोलियम मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के खिलाफ मामला दायर किया गया है। आपको बता दें कि स्थानीय निवासी तमन्ना हाशमी ने यह मामला दायर करवाया है। उन्होंने आरोप लगाया है कि कच्चे तेल की कीमत कम होने के बावजूद देश भर में महंगा पेट्रोल बेचा जाना एक साजिश है, जिस पर सुनवाई के लिए कोर्ट ने 3 जुलाई की तारीख तय की है। बिहार पंचायत चुनाव पर बहुत बड़ी खबर, EVM के साथ बैलेट पेपर से भी होंगे मतदान, इसी का फैसला। जी हां, बिहार में पंचायत चुनाव पर बड़ी खबर यह है कि EVM के साथ बैलेट पेपर में भी मतदान कराए जाएंगे। इसको लेकर बिहार राज्य निर्वाचन आयोग तैयारी शुरू कर दिया है। इस फैसले के पीछे EVM की कम उपलब्धता बताई जा रही है। मिली जानकारी के अनुसार निर्वाचन आयोग ने निर्णय लिया है कि 6 में से 4 पदों का मतदान EVM से करवाए जाएंगे, जबकि 2 पदों पर बैलेट पेपर से वोटिंग होगी। जिला परिषद मुखिया, वार्ड सदस्य और पंचायत समिति के लिए EVM से मतदान होगा, जबकि पंच और सरपंच का मतदान बैलेट पेपर से करवाने की तैयारी की जा रही है। बड़ी खबर, उत्तर बिहार के जिलों में बारिश से नदियों में पानी बढ़ा, बराज से बड़ा डिस्चार्ज। चंपारण के दियारे में फैल रहा है गंडक का पानी। जी हां, उत्तर बिहार के जिलों में फिर से बारिश शुरू होने से नदियों का जलस्तर बढ़ने लगा है। गंडक, बूढ़ी गंडक, बागमती समेत अन्य नदियों के जलस्तर में वृद्धि से नदी किनारे बसे लोगों में दहशत है। उधर नेपाल में भी बारिश शुरू होने से गंडक का जलस्तर भी बढ़ने लगा है। मंगलवार को वाल्मीकि नगर बराज से सुबह 10 बजे 77,600 क्यूसेक पानी छोड़ा था, जो दोपहर में बढ़कर 97,500 क्यूसेक तक पहुंच गया। दूसरी तरफ पश्चिमी चंपारण में सिकरहाना समेत दर्जन भर नदियों के जलस्तर में मामूली बढ़ोतरी हुई है, तो वहीं पूर्वी चंपारण के सुगोली और बंजरिया प्रखंड में बूढ़ी गंडक का कहर जारी है। सुगोली प्रखंड के 7 पंचायत बाढ़ से पूरी तरह प्रभावित है। कई गाँवों का प्रखंड मुख्यालय से सड़क संपर्क भंग है। दूसरी तरफ सीतामढ़ी में बागमती नदी कटोजा से खतरे के निशान से ऊपर बह रही है। हालांकि सोनाखान, डुब्बा घाट, चंदौली में नदी का जलस्तर कम होकर खतरे के निशान से नीचे हो गया है। इधर अधवारा समूह की नदियों के जलस्तर में भी उतार चढ़ाव जारी है। अधवारा समूह की नदी पपुरी में बढ़ रही है। दरभंगा में 2 दिन से लगातार हो रही बारिश से बागमती और अधवारा नदी के जलस्तर में वृद्धि जारी है। बड़ी खबर, बिहार में वज्रपात से 10 लोगों की मौत। पटना, मोतिहारी और गोपालगंज समेत 5 जिलों में लोगों की गई जान। जी हां, बिहार में मौसम लगातार करवट ले रहा है। बारिश के साथ साथ वज्रपात भी हो रही है। सुबह में मंगलवार को ठनका गिरने से 10 लोगों की मौत हो गई। पटना, मोतिहारी, गोपालगंज, सीतामढ़ी और नालंदा में इन सभी 10 लोगों की जान गई है। बीते दिन सोमवार को भी बिहार में 12 लोगों की मौत ठनके की चपेट में आने से हुई थी। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि मंगलवार को गोपालगंज और पूर्वी चंपारण में 3-3 लोगों की जान गई, जबकि पटना में 2 लोगों की मौत वज्रपात की चपेट में आने से हुई है। इसके अलावा सीतामढ़ी और नालंदा जिले में 1-1 लोगों ने दम तोड़ा है।
अगली बड़ी खबर, बिहार के इन 20 जिलों में भारी बारिश और वज्रपात की आशंका, 18 जिलों में मिलेगी राहत। जी हां, बिहार कुछ ऐसे राज्यों में शामिल है जहां अब तक मानसून आने के बाद से ही भरपूर बारिश हो रही है। मौसम विभाग ने जानकारी दी है कि अभी सुबह में बारिश का दौर अगले 4 दिनों तक थमने वाला नहीं है। मौसम विभाग की ओर से जारी बुलेटिन के अनुसार 1 जुलाई तक लगभग पूरे प्रदेश में भारी बारिश होती रहेगी। इसको लेकर विभागों ने येलो अलर्ट जारी कर दिया है। मिली जानकारी के अनुसार बिहार के कई जिलों में बारिश और तेज गरज के साथ वज्रपात की आशंका है। मौसम विभाग ने पूर्वानुमान के अनुसार उत्तर पूर्वी और दक्षिणी मध्य इलाके में सामान्य से अधिक बारिश होने के आसार हैं। आपको बता दें कि मौसम विभाग से मिली जानकारी के अनुसार पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, गोपालगंज, सिवान, सारण, बक्सर, भोजपुर, रोहतास, कैमूर, औरंगाबाद, जहानाबाद, अरवल, कटिहार, भागलपुर, बांका, मुंगेर, खगड़िया, जमुई में बारिश से राहत मिलेगी। वहीं राज्य के बाकी जिलों में बारिश जारी रहेगी। जिन जिलों के लिए बारिश के आसार व्यक्त किए गए हैं वहाँ येलो अलर्ट जारी कर दिया गया है। कोरोना काल में बेहतर काम के लिए ढाका विधायक पवन जायसवाल को मिला सम्मान, वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड में दर्ज हुआ नाम। जी हां, बिहार के ढाका विधायक पवन जायसवाल का नाम वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड में दर्ज हो गया है। कोरोना काल में इनके अतुलनीय योगदान को देखते हुए विश्व स्वास्थ्य संगठन की ओर से विश्व रिकॉर्ड में नाम दर्ज किया गया है। इसके लिए उन्हें प्रमाण पत्र भी दिया गया है। आपको बता दें कि कोविड-19 के पहले पेज में विधायक द्वारा किए गए कार्य की चर्चा करें तो इन्होंने हेल्प ग्रुप बनाकर राज्य से बाहर फंसे हुए लोगों की सहायता कर कोरोना सहायता लिंक एवं 12 मोबाइल नंबरों को सार्वजनिक कर लिंक मोबाइल से जानकारी प्राप्त कर लगभग 14,700 लोगों का घर वापसी के लिए निबंधन कराया गया। राज्य के बाहर फंसे हुए 4400 लोगों के खाते में 500-500 रुपये भेजा गया। इसके अलावा विधायक द्वारा राज्य के बाहर से वापस तथा क्वारंटीन सेंटर पर अवस्थित लोगों तक 15,000 सामग्री पैकेट पहुंचाने का कार्य किया गया। पहले और दूसरे फेज में पंचायतों में स्वचालित 5 मशीन एवं 100 हस्तचालित मशीन से सैनिटाइज का काम कराया गया। पहले और दूसरे फेज में ग्रामीण एवं शहरी स्तर पर आम लोगों के लिए लगभग 1.5 लाख मास्क का वितरण किया गया। बड़ी खबर, एस्टेट अभ्यर्थियों पर पुलिस ने किया लाठी चार्ज, नियुक्ति की मांग को लेकर पहुंचे थे अभ्यर्थी। जी हां, शिक्षक की नियुक्ति की मांग को लेकर एस्टेट अभ्यर्थियों ने कल जमकर प्रदर्शन किया। में धांधली का भी आरोप लगाते हुए पटना की सड़कों पर उतरे अभ्यर्थियों ने शिक्षा मंत्री विजय चौधरी के आवास का घेराव किया। इस दौरान अभ्यर्थी शिक्षा मंत्री से मिलने की मांग कर रहे थे। पटना के इको पार्क के पास भारी संख्या में अभ्यर्थी सड़क पर उतर गए जिससे यातायात बुरी तरह बाधित हो गया। इस दौरान पुलिस ने अभ्यर्थियों को आगे बढ़ने से रोका, लेकिन जब वे मानने को तैयार नहीं हुए तब पुलिस ने अभ्यर्थियों पर लाठी चार्ज कर दिया जिसके कारण अफरा तफरी मच गई। मौके पर मौजूद पुलिस की टीम ने प्रदर्शनकारियों को खदेड़ दिया और लाठी डंडे से पिटाई कर दी। दूसरी ओर तेजस्वी ने नीतीश सरकार को बताया भ्रष्ट और बेशरम, स्टेट अभ्यर्थियों से मुलाकात के बाद खूब बरसे। जी हां, शिक्षक नियुक्ति की मांग को लेकर प्रदर्शन कर रहे स्टेट अभ्यर्थियों पर कल पुलिस द्वारा लाठीचार्ज किया गया जिसके बाद कुछ अभ्यर्थियों ने कल नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव से मुलाकात की। अभ्यर्थियों से मुलाकात के बाद तेजस्वी यादव ने नीतीश सरकार को खूब कोसा। तेजस्वी ने कहा कि ये बेशर्म लाठी वाली सरकार है, जनता से नीतीश कुमार का कोई लेना देना नहीं है। तेजस्वी ने आरोप लगाया कि प्रशासन ने जबरदस्ती अभ्यर्थियों पर लाठी चार्ज की है। उन्होंने कहा कि नियुक्ति की मांग को लेकर अभ्यर्थी शिक्षा मंत्री के आवास का घेराव करना चाह रहे थे। पुलिस ने प्रतिबंधित इलाका होने के कारण उन्हें मुलाकात तक करने से रोक दिया जिस वजह से यह पूरी घटना हुई है। इसके बाद तेजस्वी ने कहा कि जिस तरह से बिहार में रिजल्ट में धांधली हो रही है और मामला सामने आने के बाद जांच तक नहीं हो रही है, इससे यह साफ पता चलता है कि सरकार को बिहार के भविष्य से कोई खास मतलब नहीं है। तेजस्वी ने एक बार फिर से नीतीश कुमार को थका हुआ मुख्यमंत्री बताया है। तो वहीं एस्टेट अभ्यर्थियों के हंगामे पर बोले शिक्षा मंत्री, किसी के बहकावे में ना आए अभ्यर्थी। जी हां, एस्टेट अभ्यर्थियों के हंगामे पर शिक्षा मंत्री विजय चौधरी ने कहा कि कुछ लोगों द्वारा उन्हें गुमराह किया जा रहा है। शिक्षा मंत्री विजय कुमार चौधरी ने कहा कि अभ्यर्थियों की पात्रता हमेशा बरकरार रहेगी। एस्टेट परीक्षा जितने लोगों ने पास की है वे सभी लोग शिक्षक बहाली के लिए आवेदन देने के लिए हकदार है।
जो मेरिट लिस्ट निकाला गया था वह पात्रता की मेरिट लिस्ट नहीं थी, नियुक्ति की मेरिट लिस्ट नहीं थी। अभ्यर्थी किसी भ्रम के शिकार ना हो और ना ही किसी के बहकाव में आए। साथ ही शिक्षा मंत्री विजय कुमार चौधरी ने कहा कि नियोजन के लिए मेगा सूची बनाई जाएगी, तब शिक्षकों की नियुक्ति होगी। जब सातवें चरण की नियुक्ति प्रक्रिया आरम्भ होगी तब इन अभ्यर्थियों की नियुक्ति होगी। बड़ी खबर, राजद की सिल्वर जुबली पर 5 जुलाई को कार्यक्रम का होगा आयोजन, पार्टी सुप्रीमो लालू यादव करेंगे उद्घाटन। जी हां, राष्ट्रीय जनता दल की ओर से 5 जुलाई को पार्टी की सिल्वर जुबली मनाई जाएगी। विधायक दल की बैठक से निकलने के बाद नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने कहा कि हम लोगों ने सिल्वर जुबली पर चर्चा किया है। यह खास इसीलिए है क्योंकि इस बार पार्टी की स्थापना के 25 साल पूरा हो जाएगा और सिल्वर हम लोग मना रहे हैं। उन्होंने कहा कि सरकार ने लॉकडाउन लगा रखा है, इसीलिए फिलहाल कल्चर, पॉलिटिकल और सोशल किसी प्रकार का कोई एक्टिविटी नहीं हो सकता है। हम लोग वर्चुअल माध्यम से ही कार्यक्रम का आयोजन करेंगे। तो वहीं विधायकों से बोले तेजस्वी, बिहार में 4 साल में 4 सरकारें बने, अलर्ट रहे, अपना टाइम आने वाला है। जी हां, अरसे बाद दिल्ली से वापस पटना लौटे नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव इन दिनों सक्रिय दिख रहे हैं। उन्होंने विधायकों और विधान पार्षदों की बैठक बुलाई थी। बैठक में तेजस्वी ने कहा कि अगर 4 साल में 4 सरकारें बन सकती है तो राजनीति में कुछ भी हो सकता है, हम सही दिशा में जा रहे हैं। तेजस्वी ने अपने विधायकों से कहा कि अपने काम के प्रति ईमानदार रहे, सतर्क रहे और अपने निर्वाचन क्षेत्र में काम करे, आने वाला समय आपका है। तेजस्वी 2013 और 2017 के बीच बिहार में हुए राजनीतिक घटनाक्रम का जिक्र कर रहे थे। बड़ी खबर, बीपीएससी अभ्यर्थियों का इंतजार होगा खत्म, आज आएगा 65वीं मेंस का रिजल्ट, बिहार को मिलेंगे 434 अफसर। जी हां, बिहार लोक सेवा आयोग यानी बीपीएससी 65वीं मेंस के रिजल्ट का इंतजार कर रहे अभ्यर्थियों के लिए बड़ी खुशखबरी है। आज यानी बुधवार को बिहार लोक सेवा आयोग 65वीं मेंस का रिजल्ट जारी करेगा। इस बाबत आयोग की ओर से तैयारी पूरी कर ली गई है। 30 जून की देर रात घोषित किए जाने की पूरी संभावना है। बीपीएससी 65वीं परीक्षा को लेकर आयोग की बैठक बुधवार को निर्धारित की गई है। बैठक में रिजल्ट पर मुहर लगने के बाद इसे जारी किया जाएगा। बड़ी खबर, सुप्रीम कोर्ट ने 31 जुलाई तक एक राष्ट्र एक राशन कार्ड योजना को लागू करने के दिए निर्देश। जी हां, सुप्रीम कोर्ट ने एक राष्ट्र एक राशन कार्ड योजना को लागू करने के लिए 31 जुलाई 2021 की समय सीमा तय की है। इस योजना के तहत प्रवासी मजदूरों को देश के किसी भी हिस्से में राशन लेने की सुविधा मिलेगी। सुप्रीम कोर्ट ने प्रवासी मजदूरों के लाभ और कल्याण के लिए कई अन्य आदेश भी दिए हैं। बड़ी खबर, T20 वर्ल्ड कप की तारीखें घोषित, ICC ने कहा 17 अक्टूबर को शुरू होगा टूर्नामेंट, 14 नवंबर को फाइनल, ओमान में भी होंगे मैच। जी हां, BCCI ने सोमवार को घोषणा कर दी थी कि वह अगले वर्ल्ड T20 का आयोजन भारत की जगह UAE और ओमान में करने जा रहा है। अब ICC ने भी इसकी पुष्टि कर दी है। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट की सबसे बड़ी संस्था ने बताया कि टूर्नामेंट की शुरुआत 17 अक्टूबर की होगी, फाइनल मुकाबला 14 नवंबर को खेला जाएगा। आज के लिए आपका सवाल, बताए कि आपके अनुसार इस साल होने वाले T20 वर्ल्ड कप में कौन से देश की टीम फाइनल का खिताब जीतेगी, इसका जवाब आप हमें नीचे कमेंट करके जरूर बताएं।